So welcome class. Today in this class we are going to discuss about chemical properties of carbonates, and I believe that you people have gone through the previous three lectures and this is the fourth lecture. And उन तीन lectures में हमने chemical कुछ carbon के बारे में समझा, उसके nomenclature के बारे में समझा, which is most important topic. And उसके बाद हमने IUPAC nomenclature उसका समझा, names, how to give names to the different compounds, organic compounds. अब हम आज समझते हैं, जब हमने carbon की इतनी चर्चा की, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं, टू बी स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज़. यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, कुछ फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन और इनमें एडिशन आएगा, सब्स्टिट्यूशन एंड कम्बशन रिएक्शन. तो पहले हम आते हैं कम्बशन रिएक्शन पे. तो पहला वाला पार्ट जो है, इट विल डिस्कस अबाउट कम्बशन रिएक्शन. तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा RxN रिएक्शन. तो कम्बशन रिएक्शन में क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें कम्बस्टेबल सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं. तो हियर इन दिस रिएक्शन ए कम्बस्टेबल सब्सटेंस इंटरैक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव द प्रोडक्ट्स. तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स इसमें बनते हैं अलॉन्ग विद द हीट, इसके साथ लाइट एनर्जी भी निकलती है. तो यूजुअली हमें मेन प्रोडक्ट क्या है इसमें, एक तो कम्बस्टेबल सब्सटेंस लेंगे, उसके साथ ऑक्सीजन लेंगे. तो हियर इन दिस रिएक्शन हियर ए कम्बस्टेबल सब्सटेंस A combustible substance reacts with oxygen. It reacts with oxygen to produce heat. इसमें heat बनती है, comma light energy. Light energy बनती है and other products. और इसमें वाटर वेपर भी बनते हैं, ठीक, अदर प्रोडक्ट्स, यानी जिसमें वाटर वेपर भी बनता है. फॉर एग्जांपल, इफ वी विल टेक एन एग्जांपल, एक कम्बस्टेबल सब्सटेंस हम यूजुअली हम मीथेन से स्टार्ट करते हैं. तो हम मीथेन से स्टार्ट करते हैं लाइक CH4, बिकॉज एज यू नो कार्बन के चार बॉन्ड्स हैं. कार्बन के साथ अगर कुछ नहीं होगा तो हाइड्रोजन होगा, ठीक. तो CH4 को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, इट विल बिकम कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ से बाहर आएगा गैस, उसके ये ब्लू फ्लेम होगा इसका. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वाटर होगा, लेकिन ये गैसियस यानी वाटर वेपर में होगा. उसके बाद कुछ हीट निकलेगी, इस डेल्टा को हम हीट कहेंगे, हीट. एंड ये ग्लो भी होगा, एंड लाइट एनर्जी. सो दिस इज द कम्प्लीट कम्बशन. देखो, अगर ऑक्सीजन गुड अमाउंट में होगा, ऑक्सीजन अगर गुड अमाउंट में होगा, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंप्लीट कम्बशन. फिर हम देखेंगे लाइक इन केस ऑफ कार्बन, कि अगर कार्बन सैचुरेटेड होगा तो क्या होगा, अगर गुड अमाउंट ऑक्सीजन होगा इसमें तो क्या होगा, अगर थोड़ा कम होगा तो व्हाट विल हैपन. तो दिस इज कंप्लीट कम्बशन. इसको स्टार्ट डालो, दिस इज कम्प्लीट. समटाइम्स दिस ऑल्सो हैपन्स दैट समटाइम्स इनकम्प्लीट कम्बशन ओकर्स. तो इनकम्प्लीट कम्बशन भी हो सकती है, ठीक. तो दूसरी क्या है हमें पढ़ना है, इनकम्प्लीट कम्बशन. तो इनकम्प्लीट कम्बशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के बदले कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा. और इसमें टू बी स्पेसिफिक, दिस इज ऑल्सो इंडिकेशन, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स, यानी यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ब्लू फ्लेम बाहर आएगी. सो दैट इज द इंडिकेशन दैट इट इज कम्प्लीट कम्बशन. यहाँ पे कुछ रेजिड्यूज नहीं निकले. अगर समटाइम्स इनकम्प्लीट कम्बशन हुई तो हम कह सकते हैं यही मीथेन पे करेंगे. ऑक्सीजन का अमाउंट, इसको बैलेंस भी खुद करना, ऑक्सीजन का अमाउंट थोड़ा कम होगा, तो इट्स नॉट इन गुड अमाउंट्स, थोड़ा कम होगा. सो हियर विल गेट कार्बन मोनोऑक्साइड. व्हाट विल हैपन, विल गेट कार्बन मोनोऑक्साइड. हम यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड हासिल होगा हमें, ठीक. और इसके साथ बाकी सब सेम, प्लस लाइट एनर्जी, ठीक. तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इट इज़ अ इंडिकेशन दैट ये सूथी फ्लेम में होगा, यानी ब्लैक सूथी फ्लेम, ठीक. यानी यूजुअली हम येलो सूथी फ्लेम लिख सकते हैं. तो येलो कलर अगर आपके घर में भी, कभी मम्मा कहती हैं नाउ आवर ये जो गैस है इट्स अबाउट एग्जॉस्ट, ये ख़त्म होगा अब, तो इंडिकेशन क्या है कि उसने खुद कैसे बोला देख के ही, बेस्ड ऑन दैट इनफ्रेंस, बेस्ड ऑन दैट हिंट दैट इनफ्रेंस, कि उसको येलो फ्लेम शायद बाहर से दिखता है,
और वो ब्लैक ब्लैक जैसा वो सूत, वो ब्लैक लेयर बनती है हमारे यूटेंसिल्स पे। तो माँ कहती है शायद नाउ द गैस इज अबाउट टू एग्जॉस्ट, तो ये ख़त्म होगा। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, तो फ़र्क क्या है, सिंपल, कंप्लीट कम्बशन में कार्बन मोनोक्साइड निकलेगा और ब्लू फ्लेम यानी ब्लू क्लीन फ्लेम होगा, तो दिस इज येलो सूती फ्लेम। तो दिस इज इंडिकेशन दैट दिस प्रोसेस इज इनकम्प्लीट कम्बशन। यू माइट हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस सेम प्रोसेस ऑफ कम्बशन इन योर रेस्पेक्टिव 8th क्लास, तो उसमें भी ये है। समटाइम्स व्हाट हैपनस, समटाइम्स रिएक्शन इतनी इतनी कम होती है, इतनी इतनी बहुत, मतलब रिएक्शन ऐसा होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं बनता, सीधा अनबर्न्ड कार्बन रहता है लास्ट, ठीक। सो दैट ऑल्सो हैपनस समटाइम्स। समटाइम्स व्हाट हैपनस, अनबर्न्ड कार्बन फॉर्म्स, तो कैसे होगा, ये सेम मीथेन, मीथेन के साथ सीधा फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इतना कम लेसर अमाउंट्स में होता है ये, इवन लेसर अमाउंट्स, तो व्हाट हैपनस लेसर अमाउंट्स में, सो सीधा एक बनेगा कार्बन, दूसरा बनेगा वाटर, सिंपल, दैट्स इट, ठीक। अब आप इन रिएक्शंस को बैलेंस भी कर सकते हो। और उसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ी एग्जांपल किसकी, कंप्लीट कम्बशन की। तो हम इथेनॉल पे आते हैं, ठीक। सो इथेनॉल में क्या है, दिस इज इथेनॉल CH3 CH2 OH। जब कार्बन के साथ, हाँ जब दो कार्बन होंगे तो इथेन, और अल्कोहल का सुफिक्स क्या लगेगा, ऑल, सो दिस इज इथेनॉल, इथेनॉल या IUPAC में नाम अंग्रेजी में पढ़ा, इथेनॉल के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन, सो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट और लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट प्लस लाइट, सो दिस रिएक्शन इज इन योर रेस्पेक्टिव बुक्स। तो इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो, यहाँ से एक कार्बन बराबर 3, 5, 6, यहाँ से ऑक्सीजन 2, यहाँ से 2 और 3, ठीक। अब यहाँ से हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ से आप एक काम करो ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आप 4, यहाँ से 6 लगा दो, 4, यहाँ से 4 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, तो 2 2 2 4 2 2 4, तो कार्बन कितने हो गए 4, यहाँ से भी कार्बन 4, ठीक। अब यहाँ से ऑक्सीजन 6 4 2 8 14, तो दिस बिकम 6 2 12 12 एंड 2 14, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 14, ऑक्सीजन हो गए 14। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ से 2 3 6 2 2 4 10 10 2 12, सो हाइड्रोजन यहाँ से 12, यहाँ से भी हाइड्रोजन 6 2 12, तो हाइड्रोजन 12। तो आप देखो तीनों बराबर हैं, तो LH इज इक्वल टू RHS, दिस द बेसिक्स, ठीक। तो ये रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ी, अदरवाइज दिस रिएक्शन आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, दैट इजी टू बैलेंस। और इन जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती हैं उसको हम स्केलेटल रिएक्शन कहते हैं, अनबैलेंस, तो वो ज़रूरी है कि इसको बैलेंस किया जाए। अब बोलो यहाँ से जो कार्बन वार्बन निकला, तो ये हीट भी निकली, लाइट एनर्जी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से निकला, सो दिस इज इन गुड अमाउंट्स, दैट मीन्स ऑक्सीजन भी किस में है, गुड अमाउंट्स में है। तो हमने इथेनॉल को कन्वर्ट किया किस में, एक कम्बशन की इसकी, तो जहाँ से हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वाटर निकला, हीट और लाइट एनर्जी निकली। अब हम आते हैं सीधा अपने मेन पार्ट पे, जो किताब में भी हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, ठीक। ये भी यहाँ से भी CH4 CH4 CH4, और ये मिथेनॉल, ये सब क्या थे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हमने देखा कभी कभी अगर आपने, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू विल ट्यून डाउन द ऑक्सीजन, अगर आपने ऑक्सीजन का लेवल, इसकी अमाउंट अगर थोड़ा कम की, तो यू विल गेट सूथी फ्लेम, यानी दैट मीन्स यू विल गेट कार्बन मोनोऑक्साइड। समटाइम्स इफ यू वॉन्ट टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड, यू ओनली नीड टू ट्यून डाउन दिस, ठीक। इस ऑक्सीजन को आपको ट्यून अप डाउन करना है, सो आफ्टर ट्यूनिंग दिस ऑक्सीजन यू कैन डिसाइड द फेट ऑफ मीथेन, मीन्स हाउ इट विल फॉर्म द रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट। अब हम आते हैं, आगे चलते हैं। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड में क्या फ़र्क है, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है यूजली, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है। तो सैचुरेटेड में समटाइम्स, सैचुरेटेड में भी आप क्या निकाल सकते हो, इसमें कंप्लीट कम्बशन होती है, और समटाइम्स इसमें इनकम्प्लीट भी होगी, इट डिपेंड्स। दैट मीन्स हम शॉर्ट में लिखेंगे, तो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, सैचुरेटेड HC में लिखता हूँ शॉर्ट में, HC मीन्स हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है, इनमें अगर आपने क्या किया, गुड अमाउंट में ऑक्सीजन लिया, या समटाइम्स इनमें आपने ऑक्सीजन की कमी की, दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, सीधा लैक ऑफ ऑक्सीजन। सो व्हाट विल हैपन, इसको देख के क्या होगा, और इसको देख के क्या होगा, इसमें आप एक ही ऐड होगा, हमें एक ही चाहिए, जब अमाउंट अच्छे अमाउंट में होगा तो सीधा
क्या होगा, जब गुड अमाउंट में होगा तो हमें कंप्लीट कंबशन देखने को मिलेगी, कंप्लीट कंबशन। सिंपली जो आपने अभी देखा मीथेन के साथ क्या हुआ, यहां पे अगर लैक हुआ तो समटाइम्स वी कैन गेट कार्बन मोनोऑक्साइड इन कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन एंड समटाइम्स वी विल गेट दिस आल्सो इनकम्प्लीट बट इसमें हम कार्बन यानी अनबर्न्ड कार्बन बनेगा, अनबर्न्ड कार्बन, यानी ये भी क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन है। ठीक, सिंपल ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकला, ठीक, यहाँ से अनबर्न्ड कार्बन यानी सीधा सी निकलेगा, बस दैट्स इट, सीधा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 134 देखना आप, अगेन आई एम सेइंग पेज नंबर 134, उसमें एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 8.3, जिसमें तीन चीजें दिए गए हैं, एक है नेप्थलीन, ठीक, जो कि अनसैचुरेटेड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक, दूसरा है केम्फर, ठीक, और तीसरा क्या है, अल्कोहल, सीधा, ठीक। और ये बोला गया है इस एक्टिविटी में कि विच वन विल गिव ब्लू क्लीन फ्लेम एंड विच वन विल गिव येलो फ्लेम, तो आप ऐसे याद रखना, देखो ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल अल्कोहल जो है इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो जहाँ पे भी आप सैचुरेटेड देखोगे, अगर गुड अमाउंट की बात करेंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन को छोड़ो, सम एवरी टाइम बिकॉज अराउंड अस देयर इज ऑक्सीजन, सो इट इज इन गुड अमाउंट्स, तो यूजुअली यू विल गेट ब्लू फ्लेम, क्लीन फ्लेम, ठीक, ये ब्लू क्या है, इट इज क्लीन, और इन दोनों की वजह से, ये दोनों क्या है, ये अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनसे आपको येलो सूथी फ्लेम मिलेगा। ये एक्टिविटी आप याद रखना और अपनी बुक पे भी देखना एक्टिविटी आप, ठीक, इसको मैं रब करके आप इसको देखना हमने क्या लिखा, सैचुरेटेड से आपको ब्लू सूथी फ्लेम निकलेगा, दैट्स वेरी क्लीन एंड दैट मीन्स इसमें कंप्लीट कंबशन होती है। सिंपल में आप क्या याद रखोगे, सर इसमें क्या होगा, कंप्लीट कंबशन, और इनमें क्या होगा, इनकम्प्लीट। सो दिस इज एक्टिविटी 8.3 ऑन योर रेस्पेक्टिव पेज 134, ठीक। उसके बाद अब हम आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, उनमें क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होती है, तो यूजुअली वो क्या देंगे, फिर येलो सूथी फ्लेम। तो हमने अभी पढ़ा था सैचुरेटेड वाला, अब लिखते हैं अनसैचुरेटेड एसी मीन्स हाइड्रोकार्बन, सिंपल क्या है, इनमें इनकम्प्लीट कंबशन होती है, ठीक ठीक, और इसका मतलब क्या है, दे विल गिव येलो सूथी फ्लेम, तो क्या देंगे, येलो सूथी फ्लेम। तो ये था अबाउट सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अब हम आते हैं आगे, अब हम लिखते हैं, ये था, दिस वाज अबाउट कंबशन, अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फेमस वन, ठीक। ऑक्सीडेशन को समझने से पहले, इन द फर्स्ट चैप्टर आल्सो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पहली प्रोसेस, पहली डेफिनेशन, दूसरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तीसरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी है, और फोर्थ वन इज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। तो ये चार डेफिनेशन हैं, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा दो की जरूरत पड़ेगी, एक तो ऑक्सीजन वाली यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन इज व्हाट, सो इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो ऑक्सीडेशन जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसके बदले या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये दो चीजें याद रखना, पहली चीज ऑक्सीजन का, देखो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन पढ़नी है, ये दूसरी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बन की, इनको देखना है हमें इस रिएक्शन में क्या क्या होगा, अगर कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन ऐड करेंगे, बाहर निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हमें पढ़नी है, बट वी नीड नॉट डिस्कस अबाउट रिडक्शन, बट पार्लली हम उसको भी जानेंगे, क्योंकि उसकी भी जरूरत है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को जानने के लिए, उनको समझ, तो आप इसका अपोजिट लिखना, तो पार्लली हम ऐसा ऑरली में कहूंगा, बिकॉज आई नॉट राइट, बिकॉज इट विल क्रिएट दिस लाइक मैस इन दिस पार्ट, कि हमें ऑक्सीडेशन पढ़ना है, रिडक्शन तो इसका टॉपिक ही नहीं है, तो
ऑक्सीडेशन में क्या है, ये एक वो प्रोसेस है जिसमें एडिशन होगा ऑक्सीजन का, और समटाइम्स इसका उल्टा होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये जरूर होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी 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 रिएक्टेंट में अगर हमने ऑक्सीजन ऐड नहीं किया ऑटोमेटिकली उसमें फिर हाइड्रोजन ऐड होगा, अगर हाइड्रोजन ऐड नहीं किया ऑक्सीजन उसमें रिमूव होगा, तो देन ओनली यू कैन कॉल दैट, यू कैन कंसिडर दैट रिएक्शन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, अब चलते हैं आगे। दूसरी प्रोसेस क्या है इसमें ओ आर आर, ये पहली डेफिनेशन थी, दूसरी क्या थे, इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स की लॉस, तो शॉर्ट में आप ट्रिक रखना यार, ओ आई एल ऑयल, ऑयल क्या है, ओ मीन्स ऑक्सीडेशन इज लॉस, एंड अपोजिट क्या है रिडक्शन का, आर आई जी रिग, रिग मीन्स इसमें है लॉस इसमें है गेन, क्या रिडक्शन इज गेन ऑक्सीडेशन इज लॉस, सिंपल। और लॉस क्या है, इट इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस या गेन करने में हेल्प करती है, सो दिस इज द बेसिक ट्रिक। अब हम आते हैं आगे, आगे हमें पढ़ना है कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं इसको हम समझेंगे पहले, क्योंकि ऑक्सीडेशन के बाद ऑक्सीजन एजेंट पे आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स वो सबस्टेंस, यानी दैट सबस्टेंस पहले लिखेंगे बाद में समझेंगे, वो सबस्टेंस दैट ऑक्सीडाइजेस अदर्स, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, एंड खुद क्या होगा रिड्यूस, इट सेल्फ गेट्स रिड्यूसेस। आई नो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, तो अभी देखते हैं यहीं पे, शॉर्ट शॉर्ट में देखते हैं इसको, साइड में क्या लिखेंगे, ऑक्सीडाइज मीन्स इसमें ऑक्सीडेशन करेगा, यानी दूसरे को ये ऑक्सीडेशन करेगा, खुद क्या होगा, खुद ही रिड्यूस होगा। अब कैसे समझेंगे, ऑक्सीडाइज मीन्स इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, दैट मीन्स ये एक बंदा है, ठीक, ये दूसरे बंदे के साथ बैठा है, ठीक, अब इन दोनों को हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये कोई कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है ऑर्गेनिक, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इस कार्बन से इसके ऊपर सर पे इसके चार इलेक्ट्रॉन से, कितने हैं चार, ये दो इसमें खींच रहा है खुद की ओर, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे को करेगा, इसको इसने ऑक्सीडाइज किया, ये बेचारा क्या हुआ ऑक्सीडाइज, लेकिन खुद क्या हुआ ये रिड्यूस, खुद क्या हुआ रिड्यूस, इसमें ऑक्सीडेशन की, सपोज करो आप इस बंदे के ऊपर एक मारक है, ऐसे एक लड़की है, ठीक, अब इसी लड़की को हम यहाँ बनाएंगे, ठीक, अब ये परेशान है, अभी खुश थी अब परेशान है, अब देखो खुद ये लड़की है ना, इसमें क्या हो गई इलेक्ट्रॉन लिए ना इसने, इस लड़की में क्या हो गया, इसमें दो इलेक्ट्रॉन रहे, और ये यहाँ से इस लड़की में क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और कितनी ऑक्सीडेशन होगी दो की, तो दो प्लस आएगा इस पर, ठीक, अब जिसने ऑक्सीडेशन की उसने खुद खुद को क्या किया रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स खुद इसने गेन किए इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ से क्या किए, यहाँ से इसने क्या किए इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, और इसको क्या हुआ लॉस हुआ किन का इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन हो गई इसकी, ये प्रोडक्ट है इसका, और ये अब खुश है, ये पहले नॉर्मल था अब ये खुश हो गया, खुश मीन्स ऐसे हैप्पी फेस है, तो ही इज़ नाउ हैप्पी, हैप्पी मीन्स इसमें क्या हुआ, इसमें यहाँ से रिडक्शन हो गई, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए प्लस टू इसने गेन किया, सो दिस इज द बेसिक। अब इनमें क्या है, अगर ये बेचारा ऑक्सीड ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई, यहाँ से ये कम्प्लीटली यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, लेकिन ये क्या बना, ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, एक सब्सटेंस है जिसने दूसरे को, इस दूसरे को क्या किया ऑक्सीडाइज किया, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करवाया उसको, और खुद वो इलेक्ट्रॉन्स हाँ गेन करके रिड्यूस हो गया, सो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो दिस वॉज द बेसिक अबाउट दिस। अब इसमें हमने कितने ऑक्सीडाइज एजेंट की जरूरत है, यहाँ पे टेंथ तक क्या है, एक तो है K2Cr2O7 आपकी बुक में, दूसरा है KMnO4, और इस एंगल से लिखा करो के कैपिटल एम कैपिटल एन स्मॉल, तो क्या है ये, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, एंड दिस इज एसिडिक एसिडिफाइड, ठीक, एंड दिस इज अल्कलाइन ALK अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, तो ये इसको हम बेरस रिएजेंट भी कहते हैं, कीप इट इन योर माइंड,
बेयरस रेजेंट, ठीक है, ये कैटलिस्ट है एक तरह से। अब क्या है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये दो ऑक्सीडाइजेंट्स इनका काम क्या होगा, या तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे दोनों, अगर ऐसा नहीं हुआ वैसे तो वही होगा, या इन टर्म्स ऑफ दिस, या तो ये किसी को यहाँ से ऑक्सीजन देंगे, फिर से समझना, इन दोनों को अच्छे से समझना, ये दो क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दो डेफिनेशन बना सकता हूँ, एक ये सारे जो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं इसने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन खींचे खुद को रिड्यूस किया, सिंपल। दूसरा सर इसने शायद इससे हाइड्रोजन लिया और खुद इसको ऑक्सीजन दिया, ये भी हो सकता है। तो कभी कभी ये ऑक्सीजन को ऐड करते हैं किसको, किसी कंपाउंड को, किसी स्पीशी को, या कभी कभी ये हाइड्रोजन वहाँ से खींचते हैं, यानी इनको रिमूव करवाते हैं और खुद वो गेन करते हैं। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे क्या आते हैं, सीधा इसकी एक एग्जांपल पे आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और है क्या है, इसमें बहुत आसानी होगी फिर इसको समझने में। अब देखो अगर ये आपको समझ आया तो हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे, ठीक। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं मिथनॉल की, मिथनॉल छोड़ो इथनॉल की लेते हैं, ठीक। तो ये जो मिथनॉल है, देखो हम ऐसे ऐसे पढ़ते हैं यूजुअली, जनरली हम देखा करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, इट विल फॉर्म, देखो प्रोडक्ट वन प्लस प्रोडक्ट टू बनेगा, क्या बनेंगे, दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका ये प्रोडक्ट बना, तो ये जो ऑक्सीडाइज एजेंट इसका ये बना, यहाँ से ऑक्सीडेशन हो गई, यहाँ से रिडक्शन हो गई। तो ये जनरल डेफिनेशन, अब जनरल को यूज, जनरल फार्मूला, जनरल इक्वेशन को हम यूज़ करके, इस जनरल इक्वेशन को हम यूज़ करके एक एग्जांपल लेते हैं। अब हम लेते हैं इथेनॉल CH3CH2OH, पहली बात ये है, ये है क्या, ये सब इथेनॉल है, अल्कोहल है, इथेनॉल दो कार्बन इथेन, और ई को काटो बिकॉज ई के बाद अगर आई ओ यू वाई ए आया तो ई को काट के ये बनेगा इथेन ओ एल ऑल इथेनॉल। इथेनॉल को हमने क्या किया, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें ऐड किया, कौन सा वाला, KNO4, या इसको हम कहते हैं हाँ अल्कलाइन, और ये है एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये दो हमने ऐड किए, ठीक। उसके बाद क्या किया, हीट भी करना पड़ेगा, हीट भी किया, अब क्या बना प्रोडक्ट, क्या बनेगा, जब भी हम अल्कोहल को कन्वर्ट करके और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज करके कन्वर्ट करते हैं, इट सिंपली बिकम्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या बनेगा, इथेनॉइक एसिड CH3COOH सीधा बनेगा। अब देखो आप अच्छे से देखना हुआ क्या एक्चुअल में, इस KNO4 ने शायद ऑक्सीजन दिया, और कौन सा वाला ऑक्सीजन दिया, नेसेंट ऑक्सीजन दिया होगा, ठीक, इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। KNO4 ने क्या दिया होगा, और यहाँ से इसने ये दो हाइड्रोजन बाहर निकाले होंगे, देखो अच्छे से इनको माइनस एच टू किया, रिमूव करवाया। अब देखो CH3CO और नेसेंट ऑक्सीजन O एंड OH, तो ये बना CH3COOH और हाइड्रोजन दो बाहर। अगर आप अच्छे से ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजेशन की डेफिनेशन पे आओगे तो दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही क्या है सर, इसका काम कुछ है ही नहीं, या तो ऑक्सीजन को ऐड करेगा, या तो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, या हम दूसरी एक डेफिनेशन है, दूसरी क्या थी, या सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएगा किसी और से, खुद उसको गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इससे लॉस करवाया तो उसको ऑक्सीडेशन करवाई, तो वही तो हुआ ना ऑक्सीडेशन, तो अगर गेन खुद गेन किया तो खुद रिड्यूस हुआ, तो यही तो डेफिनेशन थी। देखो ये इलेक्ट्रॉन इसने ऑलरेडी दिए हैं, अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद देखो इसने ऑक्सीजन दिया और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो वही ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से इथेनॉल था, यहाँ से क्या बना, ये इथेन दो कार्बन और नॉइक एसिड, इथेन ऑयक एसिड, अच्छे से देखना इसको, पहले एक कार्बन में दो कार्बन इथ, तो दो कार्बन पे क्या आएगा, ये बनेगा ऐसे CH3C डबल बॉन्ड ओ और OH। अब देखो ये एक्चुअल में रियल इसकी ये फार्मूला है, ठीक। तो हमने जनरली ऐसे लिखा COOH, ठीक, सिंपल। अब चलो आगे, तो दिस इज द बेसिक्स अबाउट दिस, ठीक। दैट मीन्स जब हम अल्कोहल्स को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिफाइड अल्कलाइन KNO4 बेयरस रिएजेंट, या आपको भी एसिडिफाइड K2Cr2, लो उसको हीट करके आप क्या, आपको क्या यील्ड मिलेगा, यील्ड विल बी इथेनॉइक एसिड, तो सिंपल है, ठीक। अब हम आते हैं आगे लास्ट वाले टॉपिक पे, दैट इज एडिशन रिएक्शन, ठीक। तो तीसरा एडिशन है, फिर सब्स्टिट्यूशन है, वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे क्योंकि उससे वीडियो ज़्यादा बड़ा बनेगा, सो विल बी प्रिसाइज अप टू मार्क।
अब क्या लिखना है हमें, अब थर्ड वाला पढ़ेंगे, दैट इज एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन क्या है, देखो एडिशन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं। सो इट्स आल्सो कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में क्या है, जब हम अनसेचुरेटेड मीन्स या तो डबल होगा या तो ट्रिपल होगा, इनको जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी कैटलिस्ट में, किसी, अभी आप बोलो भी कैसे कैटलिस्ट क्या है अभी देखेंगे, और साथ साथ में हाइड्रोजन इसमें ऐड कर रहा हूँ, हाइड्रोजन इसमें, देखो हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड, या फिर मैं बोल सकता हूँ एडिशन रिएक्शन को हम कभी कभी समटाइम्स रिडक्शन भी बोल सकते हैं, ये इजीली, बिकॉज आपने रिडक्शन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने हाइड्रोजन को ऐड किया, ऑक्सीजन को रिमूव किया होगा, ऑक्सीडेशन का उल्टा, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया। जब आपने डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, यूजली हम डबल लेते हैं, जब आपने डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन ऐड करके और एक कैटलिस्ट यूज़ किया, क्या करेंगे यूज़ अभी देखेंगे, तो उस कैटलिस्ट, यूजली ये मेटल कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट को यूज़ करके आपने सिंगल बॉन्ड जब आपको हासिल हुआ, दैट मीन्स आप अनसेचुरेशन से अनसेचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोकार्बन को आपने सेचुरेटेड बनाया, इस प्रोसेस को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या मैं बोल सकता हूँ व्हेन एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबाइन्स विद हाइड्रोजन, या कभी कभी ब्रोमीन भी होता है, ठीक, Br2, वो देखेंगे उसमें एक डिस्टिंग्विश टेस्ट भी आता है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनसेचुरेटेड एंड सेचुरेटेड, उसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी आता है, एंड ब्रोमीन वाटर जो है, ब्रोमीन जो है, इट ओनली वर्क्स विद अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड के साथ वो ये रिएक्ट नहीं करता। सो उस एंगल से हम उसको अच्छे से पहचानेंगे, जब वो सिंगल बॉन्ड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, हम कहेंगे ये वाला कंपाउंड जो है इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंपली। अब देखो आगे पढ़ेंगे, तो हम क्या कहते हैं कि एडिशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच अनसेचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, एंड फिर इसमें हाइड्रोजनेशन होगी और इट विल कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद हम आते हैं इस एडिशन रिएक्शन में हमें करना क्या है। तो एडिशन हाइड्रोजन, ये जो एडिशन रिएक्शन है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और इनकी जगह हम यूज़ क्या करते हैं, इनकी जगह हम यूज़ करते हैं कुछ मेटल्स, कुछ कैटलिस्ट्स, लाइक निकल यूज़ करेंगे, प्लेटिनम यूज़ करेंगे, और साथ साथ टेम्परेचर 200 डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। अगर डिग्री को आप केल्विन में यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ 473 केल्विन या 200, दोनों स्केल्स थोड़ी डिफरेंट है, केल्विन में है, केल्विन इज़ मोर एब्सोल्यूट, लेबॉरेटरी में डिग्री सेल्सियस ज़्यादा नहीं चलती, बिकॉज वहाँ पर ये तो रफ, इसमें आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, ठीक, 473, ठीक। तो ये टेम्परेचर यूज़ करके और ये कैटलिस्ट यूज़ करके, अब आप बोलोगे सर एक कैटलिस्ट क्या है, ठीक, तो कैटलिस्ट क्या है वो अभी समझेंगे। सिंपल में आप कश्मीरी में हम कहते हैं कैटलिस्ट इज़ जस्ट लाइक देयर मंजिमियर, व्हेन ही डज ए थिंग लाइक, फॉर एग्जांपल मंजिमियर जो है ना, मंजिमियर उसको क्या करना होता है, एक बंदा है उनकी शादी करानी होती है, तो ही विल जस्ट गिव सम फॉल्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द दैट मैन, एंड ऑल्सो टू दैट मैन he will give the false information, sometimes this happens, he fabricates the both informations. तो वहाँ से लड़की वालों को बोलता है लड़का ऐसा है वैसा है, he is very pious, perfect, and he is having that and that, every stuff he takes, हाँ कुछ उसमें सही भी होता है, 90% गलत ही होता है। तो उसके बाद जब उसने शादी उनकी करवाई, when they had knotted their tie, तो जब tie knot होता है तो after, तो उस दिन, even शादी के दिन भी मंजिमियर खानस मंज, बिकॉज ही नोज दैट आई हैड डन द रॉन्ग थिंग, मैंने उसको झूठ बोला, अभी तक तो वो पूरा पर्दाफाश, तो दैट मीन्स राज का पर्दा जब उठा, तो दैट मीन्स नाउ मंजिमियर विल नॉट बी देयर, तो वो उसको ढूंढ भी नहीं पाएंगे, बिकॉज वो भागेगा। सिमिलरली इज दिस कैटलिस्ट, ही जस्ट लाइक देयर मंजिमियर, व्हेन ही गोज इन टू द रिएक्शन, ही स्पीड्स अप द रिएक्शन, ही स्पीड्स अप दिस होल रिएक्शन, बट विदाउट बींग इन्वॉल्वड इन दैट प्रोसेस, वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। इस प्रोसेस को स्पीड, दो रिएक्टेंट्स को जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाएगा, या एक रिएक्टेंट को तोड़ के कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, खुद भागेगा, बिकॉज वो इस रिएक्शन में नहीं बैठ पाएगा। और समटाइम्स देयर आर नेगेटिव कैटलिस्ट्स आल्सो, व्हिच लाइक सपोज फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में साइन एड गया, तो इट विल ब्रेक ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेस को हैंडल करेगा, एंड ए पर्सन विल डाई, सो दिस इज आल्सो कैटलिस्ट, उसने स्पीड अप की रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जल्दी जल्दी की और इंसान को
इंसान विल डाई, इट विल स्कम ऑफ. वंस ए पर्सन स्कम्स ऑफ दैट मीन्स दिस ऑल्सो एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट. सो समटाइम्स इट डजंट मीन कैटलिस्ट स्पीड्स ऑफ द रिएक्शन, इट इंक्रीज द रिएक्शन, इट समटाइम्स रिटार्ड ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो. ठीक, नाउ विल कम टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज दिस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे. तो क्या लेंगे, एक ईथेन की बात करेंगे, क्योंकि जब हम अनसैचुरेटेड की बात करेंगे डबल ट्रिपल आएगा इसमें. तो कार्बन डबल वन कार्बन, अब इसके पास दो पोल एंड डबल वन, इसके पास भी दो, तो इसको दो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, इसको दो हाइड्रोजन. अब इसको खोल के लिखेंगे क्योंकि वी नीड टू एड हाइड्रोजन. अब देखो यहाँ से मैं हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से लिखता हूँ. अब बोलो क्या करना है इसमें, हमने क्या करना है, यूज़ हाइड्रोजन यूज़ करने हैं एच टू, और साथ साथ क्या करना है, एक सेकेंड ऐसे लिखेंगे, इसमें हमने दो हाइड्रोजन यूज़ करने हैं और साथ साथ हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, कैटलिस्ट निकल, प्लेटिनम या प्लेटिनम, ये तीन. और टेम्परेचर कितना रखेंगे, 200 डिग्री सेल्सियस या 473 केल्विन. तो अब क्या बनेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड इसको ब्रेक करेंगे सिंपली, क्योंकि हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इसको कहते हैं हम कैटालिटिक. तो दिस बिकम्स कार्बन एंड कार्बन. अब इस कार्बन के साथ आप खुद देखो, इसके ये बॉन्ड तो टूटा, ये बॉन्ड जब टूटेगा ना ये ऐसे टूटेगा फ्री रेडिकल में. ठीक, तो यहाँ से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी ऐसे टूटता है फ्री रेडिकल में. ठीक, तो इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक, ये एक जाएगा इसके पास और दूसरा जाएगा उसके पास. तो सिंपली वी विल गेट, देखो एक तो हमारे अपने हाइड्रोजन है, एक दो, एक दो. अब देखो आप अच्छे से गौर से देखो, दोनों कार्बन के पास तीन तीन बॉन्ड है, एक की कमी है. तो एक की कमी को पूरा कौन करेगा, ये दो हाइड्रोजन, एक इसके पास चला जाएगा इसके पास. देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन आया बनाया बॉन्ड, यहाँ से ये आया बनाया बॉन्ड. अब आप अच्छे से अगर देखोगे यू विल गेट नो, तो अगर आप अच्छे से देखोगे इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन के पास ऑलरेडी फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक, इसके पास एक. तो अब देखो बॉन्ड कैसा बना, और ये पूरा क्या बना, ये यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे था इथीन, एक दो कार्बन इथ और डबल बॉन्ड इन, यहाँ से क्या है इथेन. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन फॉर दिस. और ये रिएक्शन यूजली ये यूज होती है फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल जो है इट इज अनसैचुरेटेड. वेजिटेबल ऑयल में ये बॉन्डिंग होती है डबल बॉन्ड, उसको ब्रेक करके हम घी बनाते हैं ना, घी दैट इज सैचुरेटेड, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस. अब ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं किस में, यूजली दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल. और इस रिएक्शन को इसलिए हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम यूजली कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं, इट्स कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. ठीक, बिकॉज इसमें हमने क्या, इसको हम कैटालिटिक हाइड्रोजन क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें क्या हुआ, इसमें हमने एक कैटलिस्ट यूज किया, कैटलिस्ट. ठीक, दूसरा प्लस इसके साथ हाइड्रोजन यूज किए. ठीक, ये दो यूज करने के बाद दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एंड इट इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल. सो यहाँ पे आप टिप लिख सकते हो, दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड फॉर कैटालिटिक यानी हाइड्रोजन, सीधा हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स. अब वेजिटेबल ऑयल में क्या होगा यूजुअली, फिर डबल बॉन्ड होगा. तो सिंपली अब हम आते हैं ये कैटलिस्ट है क्या. ठीक, व्हाट इज दिस कैटलिस्ट, और किसी को लिखना हो यू कैन गो फॉर इट. अब देखो कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट इज एनी सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस. ठीक, कैटलिस्ट क्या है, अब कैटलिस्ट क्या है, आप इसको मजिम भी लिख सकते हो कश्मीरी में. ठीक, मंजिम योर. ठीक, जो बीच में होगा एक कैटलिस्ट, जो दो बंदों या लाइक फॉर एग्जांपल इनको शादी करनी है इनके साथ, तो लेकिन ये तो एक दूसरे को जानती नहीं है, तो बीच में आएगा कैटलिस्ट. तो ये बोलेगा इसको एक जगह रिश्ता है भेजूं, इसके साथ भी बात दोनों को पैचअप करके, इसका झूठ इसको, इसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन इसको, कुछ सही कुछ गलत मिक्सअप करके इन दोनों का पैचअप कराएगा, लेकिन खुद यहाँ से भाग जाएगा कैटलिस्ट, क्योंकि इसने बहुत झूठ बोला होगा, तो लास्ट में इसको ही माइट बी कॉट. तो ये है कैटलिस्ट की डेफिनेशन. लेकिन हम देखेंगे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में क्या आएगा, कैटलिस्ट जो है एनी सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप
द रेट ऑफ फ्रैक्शन खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा विदाउट बीइंग इन्वॉल्वड इन इट इन दिस इन द प्रोसेस इस प्रोसेस में खुद इन्वॉल्व नहीं होगा दैट इज कैटलिस्ट दैट मीन्स जब आपने अभी बनाया ना कार्बन डबल बॉन्ड भी अब देखो इसके पास पता है आपको हाइड्रोजन है इसको हाइड्रोजन ऐड करके आपने निकल यूज किया सपोज ये निकल पहले इसमें जाएगा ठीक वंस इट विल गो इनटू दिस इट विल एम्बेड इटसेल्फ इनटू दिस इसमें ये खुद एक होल क्रिएट करेगा उसमें बैठेगा उसके बाद हाइड्रोजन को बुलाएगा हाइड्रोजन को ऐड करने के बाद खुद भाग जाएगा एंड आप यहाँ से बनाओगे ना इथेन उसके साथ साथ निकल बाहर आएगा ठीक है बिकॉज इसने इन दोनों को जोड़ा खुद भाग ठीक खुद ये भाग जाएगा ठीक तो ये है डेफिनेशन ऑफ कैटलिस्ट उसके बाद हम आते हैं एक टिप पे देखो वेजिटेबल ऑयल जो है ना अब आपने क्या करना है वेजिटेबल ऑयल को आपने कन्वर्ट करना है किसमें घी में वेजिटेबल ऑयल को आपको कन्वर्ट करना है किसमें तो मैं कह सकता हूँ इफ ये वेजिटेबल ऑयल है इसमें ठीक वेजिटेबल ऑयल यूजुअली क्या होता है सर अभी आपने बोला अनसैचुरेटेड यानी इसमें डबल बॉन्ड होगा इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें घी में घी क्या होगा सैचुरेटेड ठीक तो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी इसमें आपको एक तो 800 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और दूसरा क्या है दूसरा आपको यही निकल प्लेटिनम या प्लेटिनम की जरूरत पड़ेगी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी ठीक तो उसके बाद क्या उसके बाद इन चीज़ों की जरूरत पड़ने के बाद जब ये अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हुआ तो इस प्रोसेस को हम कहें अच्छा ये यूजुअली क्या होता है ये लिक्विड होता है और घी क्या होता है यूजुअली घी सॉलिड है ना तो इसमें ये चेंज आई और उसके बाद हम क्या कह सकते हैं तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अब देखो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी हमें कि वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करना पड़ा किसमें घी में और ये घी है दिस इज घी वनस्पति घी आप देखो डाल डाले फॉरवर्ड ठीक तो ये लिक्विड ये क्या है ये ऑयल है और ये घी है ठीक सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस कैटालिटिक यानी नीड क्या है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की सर नीड ये है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस वेजिटेबल ऑयल फॉर रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ठीक सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ यानी ये खराब ना हो इसमें ऑक्सीडेशन ना हो ठीक रेंसिडिटी ऑफ किसकी वेजिटेबल ऑयल वी नीड टू डू कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तो इसकी बहुत ज़रूरत है ठीक तो रेंसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए प्रिवेंट बिकॉज रेंसिडिटी क्या कैसे होगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर होगा तो रेंसिडिटी होगी तो यूजली तो होता है इसके बाद तो तभी हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें और दूसरी चीज़ आप ये भी याद रखना ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना इसमें एनिमल फैट की भी एग्जांपल आती हैं और ये जो सैचुरेटेड और घी और एनिमल फैट तो घी बनता है यूजली किससे वेजिटेबल ऑयल से प्लांट से प्लांट प्रोडक्ट है ये और एनिमल फैट जो है एनिमल से तो इन दोनों से क्या है दीज टू थिंग्स दे आर वेरी मच हार्मफुल फॉर योर बॉडी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है बिकॉज इससे क्या होगा इट इज़ कंसिडर्ड एज एक सेकेंड लिखते हैं ये बिकॉज दिस इंपॉर्टेंट वन देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज हार्मफुल फॉर हेल्थ क्यों क्योंकि इट इज कंसिडर्ड एज अ बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कंसिडर करते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं ठीक जैसे आप फैट वैट बोलते हो फैट एसिड तो ये क्या है इट इज कंसिडर्ड एज बैड अगर ये बैड कोलेस्ट्रॉल है दैट मीन्स व्हाट विल हैपन इट विल ब्लॉक आवर इट ब्लॉक्स और आर्टरीज ठीक यानी आर्टरीज को ये ब्लॉक करता है जब ये ब्लॉक करेगा हमारी आर्टरीज को इनसे एक बीमारी होती है दैट्स कॉल्ड कॉजिंग डिजीज कॉल्ड कोरोनरी हार्ट डिजीज ठीक इनसे क्या होगा एक डिजीज होती है दैट्स कॉल्ड कोरोनरी हार्ट डिजीज ठीक तभी आप आज से क्या करोगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को थोड़ा कम करो यानी घी भी कम खाओगे सिंपल वर्ड्स में आप ऐसा समझो ठीक तो घी की जरूरत कम पड़नी चाहिए और दूसरी चीज़ क्या है वेजिटेबल ऑयल आप खा सकते हो बिकॉज दैट इज
अनसैचुरेटेड एंड दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ. ठीक, तो दैट मीन्स वी नीड टू प्रेफर, ये आपकी बुक में भी हैं, ऑयल्स विथ, जिन ऑयल्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होगा, फैटी एसिड, उनको आप प्रेफर करो किसमें, कुकिंग के लिए. फिर से ये टिप इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऑयल्स जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होगा उनको आप प्रेफर करो कुकिंग के लिए, तो बाकी प्रेफर मत करो. ठीक, अब एक टेस्ट आता है, टेस्ट क्या है, ये जो अनसैचुरेटेड प्लस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें एक टेस्ट करना पड़ेगा, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं हम, इनको हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट में डिस्टिंग्विश करते हैं. ठीक, तो दिस द लास्ट पार्ट. तो देखो, अनसैचुरेटेड वर्सेस सैचुरेटेड, क्या हाइड्रोकार्बन, इनके लिए एक टेस्ट आता है टू डिस्टिंग्विश, इनमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, मीन्स अनसैचुरेटेड कौन है और सैचुरेटेड कौन है, डिस्टिंग्विश. ठीक, तो दैट टेस्ट इज कॉल्ड, उस टेस्ट को कहते हैं हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट. उसमें क्या किया जाता है, सिंपली देखो, ब्रोमीन जो है इट विल नॉट, इसका यूजुअली रेडिश ब्राउन कलर आता है, रेडिश ब्राउन, तो ब्रोमीन जो है इट विल नॉट दिस रिएक्ट विथ सैचुरेटेड, तो उसमें कलर तो वही रहेगा, इट विल रिटेन इट्स कलर. मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिंपल इसमें आपने क्या ऐड किया, ब्रोमीन, और इसमें CCl4 हम यूज़ करते हैं, यानी ब्रोमीन को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड में रखते हैं. तो वॉट विल हैपन, ब्रोमीन जो है अपने, इसका कलर क्या है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ये रिटेन होगा, ये यानी ये चेंज है नहीं होगा, दैट मीन्स इसने इस पर असर ही नहीं किया, सिंपल. तो आपको क्या लगेगा, इस बीकर में क्या है भाई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. दूसरा, अगर अनसैचुरेटेड होगा हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या होगा, जब आपने इसमें ब्रोमीन को ऐड किया, व्हाट विल हैपन, इट विल इस पर बॉन्डिंग करेगा सिंपली. तो क्या होगा, जब ये बॉन्ड होगा यहाँ से एक बी आर, यहाँ से सपोज कर रही आप कार्बन डबल कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. ठीक, अब यहाँ पे क्या बना, ये ब्रोमीन इसमें ब्रेक हुआ तो इसका कलर ही ख़त्म, ये यहाँ से कलरलेस होगा, तो यहाँ से कलर था, यानी यूजुअली, हाँ यूजुअली क्या कलर होगा इसका, यूजुअली मतलब कोई भी कलर लो आप, यानी इसमें एक्चुअल में क्या है, यहाँ से डबल है ना, यहाँ से भी कलरलेस ही होगा पहले. ठीक, तो देट मीनस यहाँ से क्या होगा, यहाँ से रेड कलर फिर से रिटेन होगा, मीनस ये यहाँ से भी रेड कलर है, वहाँ से भी निकला, यहाँ से कलरलेस था, यहाँ से भी निकला, इसका मतलब क्या है, एक बीकर में क्या है सैचुरेटेड, एक में ये, तो दिस इज कॉल्ड ब्रोमीन वाटर टेस्ट. तो इस टेस्ट को हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्लास. तो कहीं भी अगर कोई दिक्कत आ गई समझने में, तो प्लीज़ जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स. एंड समटाइम्स आई मे ऑल्सो डू सम मिस्टेक, कभी बोलते समय कुछ बोलता हूँ, और समटाइम्स आई डू दिस मिस्टेक, सो बिकॉज मिस्टेक जो है, इट इज mistake is the portal of discovery. So discovery कभी तभी होती है when you do mistake. When a person stumbles down, then only he can get up. He will learn to get up. ठीक, तो कभी कभी गलती मत होगी कभी कहीं लिखने में या बोलने में. So forget about that. तो forgive me for that and please just remind me that I have done this mistake and that. So I'll rectify that in the next lecture and I'll also address that thing. तो कोई question होगा just write in the comment box. I'll pin the question and I'll write the answer and also I will give the answer in the next video. Thanks.